तो चैप्टर फोर के सारे डेरिवेशन फटाफट करते हैं। न्यूमेरिकल्स और प्रीवियस ईयर पहले कर लिया होगा तुम लोगों ने, मैंने वीडियो बना के छोड़ रखा है, ठीक है ना, वन शॉट करके। अब ध्यान दो, चैप्टर फोर में ना, अभी चैप्टर फोर कर रहे हैं, चैप्टर फाइव भी करेंगे, चैप्टर सिक्स, चैप्टर सेवन, चैप्टर एट, सारे चैप्टर के 15-15 मिनट में सारे डेरिवेशन हो जाएंगे। एग्जाम में सिर्फ आपको यही डेरिवेशन करके जाना है, ठीक है। अब ध्यान दो, चैप्टर फोर में ना, चैप्टर फोर में पूछा कौन सा जाता है भाई, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। क्वेश्चन आएगा कि दो वेक्टर है, उनका रिजल्टेंट फाइंड करो। जैसे दो वेक्टर को ऐड करेंगे रिजल्ट मिलेगा, रिजल्ट जैसे मैंने बोला एक फोर्स वेक्टर है, दूसरा भी फोर्स है, दोनों को ऐड करेंगे नेट फोर्स आएगा, तो रिजल्टेंट आएगा, क्या आएगा। तो क्वेश्चन ये आता है कि ट्रायंगल लॉ ऑफ रिजल्टेंट बताओ या पैरेललोग्राम लॉ ऑफ रिजल्टेंट बताओ। रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे वहां से, नाम क्या होता है, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पूरा नाम आप खुद लिख लेना, मैंने ऐसे ही रैंडम सा लिख दिया है, ठीक है। आप समझते हैं इसको करने का तरीका क्या होता है। तो आप ऐसे याद रखोगे, ध्यान से देखो, यहां पर मैं लिख रहा हूं एक ऐसे वेक्टर, क्या लिख रहा हूं, वेक्टर, इसको बोला करेंगे हम सी वेक्टर, क्या बोला करेंगे सी, सी वेक्टर है इस तरफ, क्या बात समझ पा रहे हो, इस तरफ बोला करेंगे हम सी वेक्टर। और मैं क्या बोल रहा हूं समझना, छोटी सी बात है, आप यहां पर ऐसे एक लाइन खींचना डॉट करके, इसको लिखना, क्या लिखोगे बताओ, इसको लिखना पी वेक्टर, क्या लिखना, विथ यहां पर कॉस थीटा। आपको मैं बताऊंगा कॉस थीटा क्या है, साइन थीटा क्या है, कौन सा थीटा क्या है, सब मैं बताऊंगा, ठीक है, बस ध्यान देते रहो। इसको लिखेंगे सीपी कॉस थीटा, क्या लिखेंगे, अब मेरी बात को समझना, छोटी छोटी बात, अब याद कैसे रखोगे, देखो समझना, चाय का कप समझते हो, कप, तो यहां पे लिखा है कप को, क्या लिखा है, और को से आप खुद समझ जाओगे कॉस थीटा, याद हो गया, लाइन नीचे लाइन में क्या होता है, कप को, बात खत्म, कप को। अच्छा, चाय की कप है एक तरह से ना, तो कप को पी के जो डायबिटीज वाले पर्सन होता है उनका क्या बढ़ जाता है, बीपी, तो आप यहां पर बी बनाओगे, बी ऐसे बीटा, क्या बनाओगे, बीटा, कप को पी के क्या बनने वाला है, बीपी। तो मैं बीपी के लिए क्या कर रहा हूं, यहां पर एक पी वेक्टर बनाने वाला हूं, देखना, यहां बनाने वाला हूं पी वेक्टर, क्या है ये, पी वेक्टर, बात समझ में आई, थोड़ी देर में समझ में आएगा। तो मैंने बोला देखो कप को पी के क्या बढ़ा, बीपी, क्या बढ़ा, बीपी। तो डॉक्टर पूछता पूरा नाम बताओ, जो पेशेंट है उसका पूरा नाम बताओ, तो पूरा नाम होता है उसका बीपी सिंह, क्या नाम होता है, तो ऐसे एक लाइन खींचोगे, इसको लिख दोगे बी, इसको पता है क्या लिख दोगे, पी साइन थीटा, बात समझ में आ गया। दोबारा देखो कप को पी के क्या बढ़ा, बीपी, क्या बढ़ा, बी और पी वेक्टर, पूरा नाम क्या हो जाएगा, बीपी सिंह, तो बी पी सिंह, पूरा नाम का मतलब एक स्टेप छोड़ के पूरा नाम लिखते हैं ना, ऐसे लिखा जाता है, पहले स्टार्टिंग का नाम, फिर मिडल नेम, फिर सरनेम, तो स्टार्टिंग का नाम, मिडल नेम, विद सरनेम, समझ में आ गया। तो ये हमारा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया। क्या ये ट्रायंगल दिखाई दे रहा है आपको, हाँ ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, इस ट्रायंगल में निकालना क्या होता है, निकालना होता है हाइपोटेन्यूस, क्या निकालना होता है, हाइपोटेन्यूस, जो रिजल्ट होगा। देखो अगर आप इस सी वेक्टर को देखो, सी इधर है, पी इधर है, और सी और पी को ऐड करेंगे तो एच वेक्टर आएगा, क्यों, हम यहां से चले यहां को पहुंचे, आप ऐसे चल लो, सी प्लस पी चल लो, या फिर डायरेक्टली एच चल लो। तो हमने यहां से क्या सीख लिया कि जो एच वेक्टर होगा वो होगा सी वेक्टर प्लस पी वेक्टर, क्या बात समझ में आ गया, और ये कंस्ट्रक्शन पार्ट है हमारा। अब यहां से हमें निकालना क्या होता है, रिजल्टेंट एच को निकालना होता है। तो क्या आप पाइथागोरस थ्योरम लगा के एच निकाल सकते हो, आप बोलोगे सर ये थीटा कौन सा वाला थीटा है, तो यहां पे जो एंगल बनता है ना इसको बोलते हैं हम थीटा, क्या बोलते हैं, तो बीटा कौन सा एंगल है, बीटा है सी वेक्टर के साथ, और जो हाइपोटेनियस है, जो रिजल्टेंट वेक्टर है आपका, कौन सा वेक्टर है, तो बीटा कौन सा एंगल है, एंगल बिटवीन सी वेक्टर एंड रिजल्टेंट वेक्टर, और थीटा किसके बीच का एंगल है, थीटा है आपका सी वेक्टर, देखो सी ऐसे है ना, सी वेक्टर आगे और पी वेक्टर इधर है, तो सी और पी के बीच का एंगल क्या है, थीटा। तो मैं यहां पर अगर लिख दूं सी एंड पी के बीच का जो एंगल है उसको मान रहे हम थीटा, जो आप एग्जाम में लिखोगे, और जो सी एंड एच के वेक्टर, एच के बीच का जो एंगल है उसको क्या मान रहे हम, बीटा, जो रिजल्टेंट के बीच का एंगल है, बात समझ पा रहे हो, रिजल्टेंट और सी के बीच का एंगल को क्या बोल रहे हैं, बीटा। तो एग्जाम में यही आएगा कि आप बीटा निकालो, क्या आएगा, बीटा निकालो, और दूसरा क्या निकालो, एच निकालो। तो क्या आप हाइपोटेन्यूस से निकाल सकते हो इजीली, अरे हाइपोटेन्यूस क्या होगा इसका बताओ, अगर मैं इस ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूस निकालूं, बड़ा सिंपल है, हाइपोटेन्यूस क्या हो जाएगा बताओ, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, तो बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, बेस क्या है पूरा सी पी कॉस थीटा। अगर मैं ट्रायंगल देखूं, ट्रायंगल दिख रहा है आपको, अरे राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, अरे राइट एंगल ट्रायंगल, यहां से और यहां से एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, दिख रहा है आपको, तो बेस क्या हो गया, बेस हो गया सी प्लस पी कॉस थीटा, सी प्लस पी कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, यहां से निकल जाएगा हाइपोटेन्यूस स्क्वायर, और यही हमारा आंसर होता है, क्या बात समझ पा रहे हो, किसी को मुश्किल लगा अभी तक, अगर तुम याद करो कप को सी पी कॉस थीटा, क्या बड़ा बी पी, तो बी पी पूरा नाम क्या है, पी सिंह साइन थीटा, बात समझ में आ गया। तो बड़ा आसान तरीका हो गया, एग्जाम में यू बनाओगे हवा की तरह, और निकालना क्या होता है टारगेट, हाइपोटेनियस, तो हो जाएगा नीचे वाला पूरा इस ट्रायंगल, जो राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं उसमें पता ना पाइथागोरस में, तो सी प्लस पी कॉस थीटा, और यहां से क्या समझ रहे हो, पी स्क्वायर, परपेंडिकुलर का मतलब क्या हो गया, पी साइन थीटा,
अरे यही तो हो जाएगा पी मतलब ये परपेंडिकुलर था, बात समझ पा रहे हो, पी मतलब परपेंडिकुलर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है ना, परपेंडिकुलर का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पर, पी साइन थीटा, तो पी साइन थीटा का होल स्क्वायर। अच्छा यहाँ से हम कहानी को समझे, अगर इसको हम सॉल्व करें तो बड़ा ईजी है। क्या आप जानते हो ए प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो पता है क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। सुना आप लोगों ने, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर मेरा ये पूरा ए है, सॉरी मैं गलत बोल रहा हूँ, ये मेरा ए की तरह बिहेव कर रहा है, ये बी की तरफ उसका होल स्क्वायर। तो आप हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर क्या लिखोगे, सी का स्क्वायर प्लस टू सी पी कॉस थीटा। देखो टू ए बी कॉस थीटा हो गया ना, तो टू ए और ये पूरा बी, टू ए और बी, समझ में आ रहा है। अब आगे क्या होगा, बी का स्क्वायर यानी पी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये खोल दिया मैंने, पूरा खोल दिया। अब इसको क्या लिखोगे, इसको लिख सकते हो सिंपली पी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा, वन हो जाएगा कॉमन लेने के बाद। तो यहाँ पर सिर्फ क्या बचेगा, पी स्क्वायर इंटू वन। पता ना ये बात, पी को जैसी कॉमन लोगे क्या बन जाएगा वो, बात समझ में आ गया। अब इधर क्या बचा, देखो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर हो गया आपका सी स्क्वायर प्लस टू सी पी कॉस थीटा, और यही हमारा फाइनल आंसर है। ये 3 मार्क्स में आएगा और हर बार आता है एग्जाम में। तो ये अंडर रूट आ गया आंसर, देखो सी स्क्वायर प्लस, इसको ले रहा हूँ इधर में, पी स्क्वायर प्लस टू सी पी कॉस थीटा, टू सी पी। अगर मैं वैक्टर को मैं एल और एम मानूँ वैक्टर, तो आंसर क्या जाएगा, रिजल्टेंट, जो हाइपोटेन्यूस है वही तो रिजल्टेंट है, वही तो रिजल्ट है दो वैक्टर का। तो हो जाएगा आपका एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस टू एम एन कॉस थीटा। अगर मैं वैक्टर्स को मानता हूँ एफ वन एफ टू, क्या मानता हूँ, एफ वन एफ टू, टू वैक्टर मानता हूँ, तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ एफ वन स्क्वायर प्लस एफ टू स्क्वायर प्लस टू एफ वन एफ टू कॉस थीटा। क्या इस प्रकार से आपका ये ट्रिक याद हो गया। दोबारा नीचे है कप, क्या है कप, कप को पी के यानी कॉस थीटा, ऊपर बी पी बढ़ा तो बीटा पी, पूरा नाम क्या है, बी पी सिंह एस आई एन। फिर ट्रायंगल लिया, हाइपोटेन्यूस और बेसिक मैथमेटिक्स, काम खत्म। तो यह ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ। अब तुम टीचर को कैसे बेवकूफ बनाने वाले हो, आप टीचर को कैसे बेवकूफ बनाने वाले हो, लिख लिख के कि लेट अ वेक्टर सी, लेट अ वेक्टर पी, लेट एच इज रिजल्टेंट, लेट थीटा इज एंगल बिटवीन व्हाट, आपको पता ही है, ये सब लिख लिख के बेवकूफ बनाना है। और ऐसे भी लिखना है अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूस इज गिवन बाय दिस, उसको बस आपको मजे लेना है और काम हो जाएगा आपका। और 3 से 4 जितने मार्क्स में भी आए आपके हाथ में। अब बोलोगे सर दूसरा डेरिवेशन है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ये कैसे करोगे, सेम जो ट्रायंगल दिख रहा था आपको ट्रायंगल कैसा दिखा, यहाँ पर सी दिखा, दोबारा बनाते देखो, सी वेक्टर, यहाँ पर कौन सा वेक्टर याद करो, पी, कप को पी के, कप को पी के, ऐसे बी क्या बढ़ा था, बी पी बढ़ा था, तो बी पी बढ़ा, क्या बढ़ा, बी पी, पूरा नाम क्या था उसका, बी पी सिंह, बी पी सिंह, तो साइन थीटा, बी पी सिंह साइन थीटा। अब ये क्या था आपका हाइपोटेन्यूस, क्या था ये था ना हाइपोटेन्यूस वेक्टर, या रिजल्टेंट वेक्टर बोल दो, एच वेक्टर बोल दो, जो आपका मन करे ये बोलोगे ना आप, समझना। अब इसको ना पैरेललोग्राम बना दो, कैसे बना दोगे, यहाँ से एक लाइन खींच दो, यहाँ से एक लाइन खींच दो, यहाँ से एक लाइन खींच दो, लो बन गया पैरेललोग्राम, क्या बन गया, सारी कैलकुलेशन सेम। दोबारा आपको एच निकालना है, क्या निकालना है, अगर दोबारा आपको एच निकालना है तो आप तो यही ट्रायंगल दोगे ना, ये और ये ट्रायंगल, नहीं सॉरी ये वाला नहीं, ये ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल लोगे ना आप, ये राइट एंगल ट्रायंगल जो बन रहा है, ये ट्रायंगल लेना, दोबारा हाइपोटेन्यूस सेम आंसर आएगा, अंडर रूट ऑफ सी, मतलब बिल्कुल कॉपी करना है पिछले वाले कॉन्सेप्ट में, इस कॉन्सेप्ट में क्या चेंज करना है, सिर्फ और सिर्फ डायग्राम का, डायग्राम में पैरेललोग्राम लिखा है, पैरेललोग्राम बना दो, क्या बना दो, पैरेललोग्राम, बाकी सब सेम है। अच्छा अगर आपसे बोलता है इसी क्वेश्चन में बोलता है कि भाई मुझे तुम ये निकाल के दिखाओ टेन बीटा एंगल बिटवीन हाइपोटेन्यूस एंड सी वेक्टर, बीटा निकाला, क्या निकालना है, बीटा, तो टेन बीटा कैसे निकालोगे, यही निकाल लो, टेन बीटा कैसे निकालोगे बताओ, टेन बीटा परपेंडिकुलर बाई बेस, तो मैं यहाँ निकाल दे रहा हूँ टेन बीटा, क्या निकाल रहा हूँ, टेन बीटा, आप बोलोगे परपेंडिकुलर बाई बेस, तो उस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर क्या था, पी साइन थीटा, क्या था, पी साइन थीटा, और बेस क्या था बेटा, सी प्लस पी कॉस थीटा, सी प्लस पी कॉस थीटा, और यही फॉर्मूला मैं कितनी बार हटवा चुका हूँ आपको, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने इस टॉपिक को, दो डेरिवेशन को इजिली सॉल्व कर लिया। दूसरे डेरिवेशन में क्या चेंजेस करना है, ओनली जो ट्रायंगल था उसको पैरेललोग्राम बना देंगे, एक लाइन इधर बढ़ा के एक लाइन उधर बढ़ा के, सब कुछ सेम, कैलकुलेशन बिल्कुल सेम। इस प्रकार से आपका चैप्टर 4 का एक डेरिवेशन, दो डेरिवेशन बहुत गजब तरीके से खत्म हो गया। अब अभी बैठ के यहाँ पे प्रैक्टिस करोगे फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है, अभी बैठ के प्रैक्टिस करो। मेरे प्यारे बच्चों सुनो, कुछ बच्चे कन्फ्यूज हो रहे हैं कि सर ये बी क्या है, बेटा ये बेस है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। और दूसरी बात ये डायग्राम बनाना कैसे एक बार देख लो, जिन बच्चों को नहीं आ रहा डायग्राम बनाने, देखो पहले लिखना है सी, फिर लिखना है पी, नहीं सी पी नहीं हाँ सी पी कॉस थीटा,
कप को, सीओ मतलब को, कप को, फिर यहां से एक लाइन जाएगा, ठीक है, यहां से ये लाइन जाएगा, बीपी, बीपी बढ़ा किसका, पूरा नाम बीपी सिंह का, बीपी सिंह का, बात समझ में आ रहा है, बीपी बढ़ा बीपी सिंह का, और ये आपका एच वेक्टर है। अब ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट मिला के ट्रायंगल बनेगा और हाइपोटेनस लगा के निकल जाएगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर, ठीक है ना। और पैरेललोग्राम लॉ में कुछ नहीं करना, इस लाइन को एक्सटेंड करो, इस लाइन को एक्सटेंड करो, यू विल गेट अ पैरेललोग्राम, यू विल गेट अ पैरेललोग्राम। अब हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के आगे का कॉन्सेप्ट। अगर बेटा सुनो, एग्जाम में इसकी डेफिनेशन आए, व्हाट इज ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल ऑफ, तो बोलोगे इफ टू वेक्टर सी एंड पी इज टेकन, टू वेक्टर सी वेक्टर एंड पी वेक्टर इज टेकन, पी वेक्टर इज टेकन, देन रिजल्टेंट इज गिवन बाय थर्ड साइड, रिजल्टेंट इज गिवन बाय थर्ड साइड, जिसको हम बोल देंगे एच वेक्टर, रिजल्टेंट इज गिवन बाय एच वेक्टर, दैट इज सी वेक्टर प्लस पी वेक्टर। ये स्टेटमेंट है क्या ये, व्हेन टू वेक्टर इज साइड ऑफ टू ट्रायंगल, साइड ऑफ टू ट्रायंगल, समझ में आया। अगर मतलब साइड ऑफ टू ट्रायंगल बोल रहा हूं मैं, टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल है ना, जब दो वेक्टर है साइड ऑफ ट्रायंगल, तो तीसरा साइड क्या देगा, रिजल्टेंट, तीसरा साइड क्या देगा, रिजल्टेंट। पैरेललोग्राम में क्या बोलोगे, व्हेन टू वेक्टर्स आर टेकन सच एज सी वेक्टर एंड पी वेक्टर, देन रिजल्टेंट इज गिवन बाय डायगोनल, रिजल्टेंट इज गिवन बाय डायगोनल। क्या बात समझ में आ गया, तो ट्रायंगल लॉ की डेफिनेशन समझ में आ गई, पैरेललोग्राम की डेफिनेशन समझ में आ गई। अब हम पढ़ेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन, क्या पढ़ेंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन की सारी डेरिवेशन। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में ट्रिक क्या रखना समझना, पहले तो डायग्राम याद करना पड़ेगा भाई। डायग्राम ऐसा होता है कि देखो, ऐसा मोशन को बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन, कि जब आपने इनिशियली किसी एंगल के साथ फेंका इसको, आप किसी एंगल के साथ फेंकोगे ना तो ऐसे जाएगा पार्टिकल, तो उस मोशन को बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन, क्या बोलते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन। अच्छा मान लो इनिशियल वेलोसिटी यू था, तो इस वेलोसिटी के दो हिस्से होते हैं, एक इस तरफ होता है, सुनो, इधर का वेलोसिटी एक्स की तरफ जो वेलोसिटी होता है वो होता है हमेशा यू कॉस थीटा, और वाई की तरफ जो वेलोसिटी होगा वो होगा यू साइन थीटा। मैं कहूंगा रट्टा मार लो आप, ये तो सबको आना चाहिए कि जब एक वेक्टर टेढ़ा हो तो उसके दो हिस्से होते हैं, कॉस और साइन। अब मेरी बात को समझना, मैं क्या क्या बातें आपको याद करवा रहा हूँ, ये आपको एग्जाम में लिखना है। देखो आप लिखोगे भाई, एक्स की तरफ जो वेलोसिटी होता है यू एक्स, वो होता है यू कॉस थीटा, क्या होता है, इनिशियली इन एक्स डायरेक्शन यू कॉस थीटा, और एक्सेलरेशन एक्स में जीरो होता है, एक्स में कोई एक्सेलरेशन नहीं होता, लेकिन वाई में ग्रेविटी लगेगा। अरे एक्स में कौन है एक्सेलरेशन लगाने के लिए, क्या तुमने मोटर फिट कर रखा है, बाइक है ये, नहीं है ना, एक बॉल को फेंक दिया, अब बाइक थोड़ी अपने आप से धक्का मारेगा, चल भाई आगे, ऐसा नहीं होता। तो एक्स में एक्सेलरेशन क्या होता है, जीरो, एक्स में एक्सेलरेशन क्या होता है, जीरो। पहली बात याद हो गई, दूसरी बात जो याद कर लो जीवन भर काम आएगा, इनिशियल वेलोसिटी इन वाई, वाई में इनिशियली कितना होता है, यू साइन थीटा, क्या होता है, यू साइन थीटा, ठीक है, और एक्सेलरेशन इन वाई क्या होता है, माइनस जी, क्या होता है, माइनस जी, इनका हम बहुत इस्तेमाल करने वाले। अब ध्यान देना, ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन है ये दोनों में है, एक्स में भी और देखो, अगर यहाँ पर पार्टिकल देखोगे तो वाई में भी है और एक्स में, यहाँ पर देखोगे तो वाई में भी है और यहाँ पर देखो, यहाँ पर वाई में भी है और एक्स में भी है, तो हम वाई और एक्स की इक्वेशन लगा के सॉल्व कर सकते हैं इजीली, बताऊंगा ट्रिक समझना। अब समझना क्या है, कुछ बातें जो मैं कहूँगा जो आपको याद होनी चाहिए, जब पार्टिकल यहाँ पर लौटता है ना, तो यहाँ पर लौटने का मतलब क्या है, उसने अपना पूरा कंप्लीट चक्कर कर लिया, यानी उसने, इसको बोलते हैं हम टाइम ऑफ फ्लाइट, क्या बोलते हैं, कि यहाँ तक पहुँच गया, ये कहलाएगा टाइम ऑफ फ्लाइट, कि पूरे फ्लाइट का टाइम कितना था, पूरे उड़ते वक्त फ्लाइट का टाइम कितना था, इसको बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, क्या बोलते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या बात समझ में आ रहा है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट पर अगर आप देखोगे तो वाई एक्स एक्सिस में कुछ ना कुछ तो है, एक्स में कुछ ना कुछ है लेकिन वाई जीरो है, एक्स कुछ है वाई जीरो है, क्या यहाँ का बात समझ में आ गया। अरे ये तो बहुत लॉजिकल है ना यार, कि एक्स में कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर किया है लेकिन वाई तो जीरो है, इस एक्सिस पे वाई क्या है, जीरो। अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो इसको पता है क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मैक्सिमम हाइट, क्या बोलते हैं, आप बोलोगे सर इसको मैक्सिमम हाइट क्यों बोलते हैं, मैक्सिमम आपको दिख रहा है वहां से तो पहले बोलते हैं, इसको बोलते हैं मैक्सिमम हाइट, ये अभी तक समझ नहीं आ रहा था, देखो इसको बोलते हैं मैक्सिमम हाइट, क्या बोलते हैं इसको, आप बोलोगे सर मैक्सिमम हाइट क्यों बोलते हैं, क्योंकि भाई इससे ऊपर जा ही नहीं सकता, इससे ऊपर, अच्छा तो मैक्सिमम हाइट पर आप क्या समझ गए, कि इसके ऊपर जा नहीं सकता ऊपर, यानी वाई में वेलोसिटी जीरो हो जाती है, इस पॉइंट पर आके ना वाई में वेलोसिटी क्या हो जाती है, अरे ये तो बहुत लॉजिकल है यार। तो आप अगर दो तीन पॉइंट याद रखते हो जीवन आसान हो जाएगा। पहला कौन सा पॉइंट, कि वहां पर जाएंगे वाई जीरो, यहां पर जाएंगे वेलोसिटी इन वाई जीरो, वेलोसिटी इन, अरे तभी तो ऊपर नहीं जा रहा यार। अब तुम जो मर्जी चाहो निकाल सकते हो इस क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन कैसा आएगा, इसमें क्वेश्चन क्या क्या आएगा, देखो इसमें पहला क्वेश्चन पता है क्या आएगा, ठीक है, मैं डायग्राम को ऐसे थोड़ा कर दे रहा हूं, अब समझना पहला क्वेश्चन इसमें क्या आता है, समझना पहला क्वेश्चन आता है कि आप मुझे बताओ, फर्स्ट क्वेश्चन टाइम ऑफ फ्लाइट क्या आता है, टाइम ऑफ फ्लाइट की डेरिवेशन करो, यही आएगा टाइम ऑफ फ्लाइट
हॉरिजॉन्टल रेंज, ये सब। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब क्या है, y जीरो, क्या जीरो, तो मैं y की इक्वेशन लगाऊंगा, मैं बोलूंगा y होता है इनिशियल वेलोसिटी इन y t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। आप बोलोगे सर ये कौन सा फॉर्मूला, याद करो डिस्प्लेसमेंट वाला, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब मेरी बात को समझना, जो s है वो तो y है क्योंकि y एक्सिस के हम डिस्प्लेसमेंट देख रहे हैं ना, डिस्प्लेसमेंट इन y, ये इनिशियल वेलोसिटी इन y, t क्या है टाइम, ये हो गया हाफ माइनस, क्योंकि एक्सेलेरेशन क्या होता है माइनस जी टी स्क्वायर। अब मुझे पता है कि टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए y वाला जीरो हो जाएगा, y एक्सिस क्या हो जाएगा जीरो, और इनिशियल वेलोसिटी है u sin थीटा। मैंने याद करवाया था आपको कि y में इनिशियल क्या होता है u sin थीटा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अगर मेरे प्यारे बच्चों यहां से तुम देखो, यहां पर एक और t था, ठीक है, t कॉमन लेके हटा दोगे तो एक t बचेगा, ठीक है, तो क्या u sin थीटा, मान लो एक t से t चला गया, हाफ जी टी हो जाएगा हाफ, अरे एक t से एक t कट जाएगा ना इधर आएगा, तो ऐसा मान लो, पर ऐसा रियल में नहीं होता, कोई नहीं, मैंने माना एक t यहां था, यहां t स्क्वायर है, तो एक t से एक t कट जाएगा, ठीक है, बात ही समझे, ऐसे काटना नहीं है पर आपका आंसर आ जाएगा। देखो यहां से पता लगता है यू साइन थीटा बाई टू बाई जी इज इक्वल टू टी, यही फॉर्मूला है, क्या बात समझ में आ रहा है, अरे क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर आ गया यार। अब मेरी बात को समझना, यहां से एक और क्वेश्चन आता है, बताओ मैक्सिमम हाइट का टाइम कितना होगा, टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट, टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट, अगर ये डेरिवेशन के लिए बोलता है तो आधा कर दो यू साइन थीटा बाई जी, क्यों भाई, ये जो फॉर्मूला आया पूरे के लिए आया, आधे के लिए, आधे आधे के लिए टू से डिवाइड कर दिया, टू से डिवाइड कर दिया, आंसर आ गया। अच्छा अगला डेरिवेशन क्या आता है, अगला डेरिवेशन आता है कि आप ना इसके अंदर वो निकाल के दिखाओ मुझे, मैक्सिमम हाइट क्या आएगा, मैक्सिमम हाइट। तो मैक्सिमम हाइट के लिए सर ने क्या सिखाया आपको, कि जब मैक्सिमम पहुंच जाएगा, ट्रिक यही है, जब वो मैक्सिमम पहुंच जाएगा तो ऊपर जा नहीं पा रहा होगा, ऊपर जा ना पाने का मतलब क्या है, ऊपर की वेलोसिटी जीरो, ऊपर कौन सी वेलोसिटी होती है, वाई वाली, तो आप बोल दोगे भाई वाई की वेलोसिटी जीरो है, वाई की वेलोसिटी, तो मैं चाहूं तो ये इस्तेमाल कर सकता हूं, वी वाई स्क्वायर माइनस यू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू टू जी एच, टू जी पर माइनस यहाँ पर लगा देंगे क्योंकि ग्रेविटी नीचे होता है ना, अरे ये फॉर्मूला है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर टू ए एस, टू ए एस वाला फॉर्मूला है ये, इतना तो पता होना चाहिए हर बच्चे को। अब ध्यान दो, अब बात को समझना, इनिशियल वाई की तो वेलोसिटी जीरो हो जाएगी मैक्सिमम हाइट पे, अरे वाई पर कोई वेलोसिटी नहीं होती हाइट पे, जीरो, ये हो गया यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, बोलो कैसे, यू साइन थीटा का होल स्क्वायर, ये नेगेटिव का साइन, और यहाँ पर क्या हो गया माइनस टू जी एच, माइनस से माइनस गया तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा वाई टू जी, लो एच आ गया, क्या आ गया एच। अगर हम ट्रिक को रिवाइज करें, टाइम का मतलब है जब इस मैक्स, पूरे टाइम का मतलब क्या है, जब वहाँ पर जाए और ज़मीन पर वापस आ जाए, ज़मीन पर वापस आने का मतलब क्या है कि एक्स में तो चला है वाई में नहीं चला, वाई में जीरो, वाई में जीरो। तो वाई जीरो किया टाइम मिल गया, फिर आधा किया तो टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट मिल गया। अब मैं क्या चाहता हूँ, मुझे मैक्सिमम हाइट का वो मिल जाए, क्या मिल जाए, मैक्सिमम हाइट मिल जाए, तो मैंने याद कर लिया था, ट्रिक याद कर लिया था कि मैक्सिमम हाइट पर जाएगा ना तो वेलोसिटी वाई में जीरो हो जाएगा, तो वेलोसिटी मैंने वाई में जीरो कर दिया, वेलोसिटी वाई में जीरो कर दिया, तो फॉर्मूला अपने आप निकल के आ गया हाथ में। अब एक और लास्ट इसके अंदर पता है क्या आता है, लास्ट आता है इसके अंदर हॉरिजॉन्टल रेंज, क्या आता है हॉरिजॉन्टल रेंज। तो हॉरिजॉन्टल रेंज से आप क्या समझते हो, कि पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट करे और यहाँ, ये डिस्टेंस निकालना है, कौन सा डिस्टेंस निकालना है, एक्स, एक्स में डिस्टेंस निकालना है, तो एक्स का फॉर्मूला लगा दो, एक्स इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ पर वेलोसिटी कौन सी आएगी, एक्स वाली आएगी ना, क्योंकि आप एक्स की डिस्टेंस निकाल रहे हो। अब मैंने आपको याद करवाया था कि सर एक्सेलेरेशन एक्स में जीरो होता है, अगर एक्सेलेरेशन जीरो हो गया तो खेल खत्म, यानी एक्स जिसको आप रेंज बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो, हॉरिजॉन्टल रेंज बोल रहे हो, रेंज को हम आर लिखते हैं, क्या लिखते हैं, चलो आर भी छोड़ो, आर बाद में कन्वर्ट कर देंगे, तो एक्स क्या आ जाएगा बताओ यहाँ से, चलो यहाँ से एक और चीज़ याद कर लो, यहाँ से एक और याद कर लो, टाइम पता क्या होता है, एक्स वाई यू एक्स, एक्स वाई यू एक्स, अगर मैं ऐसे याद करवा दे रहा हूँ, काम आए तो आए, ना आए तो ना आए, तो यहाँ से आप लिख सकते हो एक्स वाई यू एक्स मतलब यू कॉस थीटा, याद करो एक्स में कॉस थीटा था, एक्स में क्या था, कॉस थीटा, तो ये टाइम का फॉर्मूला आ गया, पर हमें इससे कोई मतलब नहीं, हमें वही वाला इस्तेमाल करना है, ठीक है। अभी हम यहीं पर अपने काम पे आते हैं, जो हमने यहाँ पे निकाल के रखा हुआ है, एक्स इज इक्वल टू यू एक्स टी, तो एक्स आपको निकालना था, एक्स आपको यू एक्स कितना होता है, यू कॉस थीटा, और टाइम तो आपको पता है पीछे निकाल चुके हो, यहाँ तक का टाइम निकाल चुके हैं ना, यहाँ तक का टाइम आया था टू यू साइन थीटा वाई जी। तो देखो एक्स को हम रेंज बोल रहे, क्या बोल रहे, रेंज, कितना रेंज है, कितना रेंज है, तो आंसर क्या गया, देखो यू इंटू यू, यू स्क्वायर, और फिर क्या बचा, टू साइन थीटा कॉस थीटा, टू साइन थीटा कॉस थीटा वाई जी, ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला ड्राइव हो गया। जिसको मैथमेटिक्स लगानी हो कन्वर्ट कर लेना, आंसर आ जाएगा टू साइन थीटा कॉस थीटा को क्या बोलते हैं पता है, टू साइन थीटा कॉस थीटा को बोलते हैं साइन टू थीटा, तो ये ऐसा बन जाएगा अगर आप मैथमेटिक्स लगाते हो तो, वरना हमारा आंसर आ चुका है, हमारा ये हो जाता है यू स्क्वायर साइन टू थीटा, मतलब साइन थीटा कॉस थीटा इंटू टू, पता क्या जाता है साइन टू थीटा वाई जी। तो ये हमने डिराइव कर लिया रेंज, क्या बात समझ पा रहे हो, दोबारा रेंज कैसे निकालेंगे, रेंज का मतलब रेंज किस तरफ है, ट्रिक यही है,
रेंज का मतलब एक्स में, किधर एक्स में, तो एक्स में हम लगाएंगे एक्स इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एक्सेलेरेशन तो जीरो होता है, तो क्या हो गया यू और टी बचा, तो यू क्या होता है यू कॉस थीटा, याद करवाया था मैंने, एक्स में वेलोसिटी कितनी होती है यू कॉस थीटा और वाई में यू साइन थीटा, तो यहाँ यू एक्स पुट किया यू कॉस थीटा और टाइम मुझे पता है यहाँ तक का जो पीछे मैंने ड्राइव किया था टू यू साइन थीटा वाई जी, तो दोनों को सॉल्व किया आंसर आ गया तो रेंज निकल गया। अच्छा थर्ड, अगर फोर्थ एक और, अगर चैप्टर क्वेश्चन मुश्किल बनता है तो आपसे बोलेंगे ट्रेजेक्ट्री, क्या बोलेंगे ट्रेजेक्ट्री, ट्रेजेक्ट्री का मतलब होता है पाथ, क्या होता है पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, समझ में नहीं आ रहा, दिख रहा है पक्का, आप चाहते तो पीछे बैठ सकते थे कोई बात नहीं, चलो ट्रेजेक्ट्री या फिर पाथ, ट्रेजेक्ट्री या फिर पाथ। अच्छा ट्रेजेक्ट्री का मतलब क्या हो गया, ट्रेजेक्ट्री का मतलब हमेशा होता है वाई और एक्स में रिलेशन, क्या होता है वाई और एक्स में रिलेशन, जैसे आपने पढ़ा होगा पाथ ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, या ऐसे पढ़ा ना आपने बचपन में y इज इक्वल टू थ्री एक्स प्लस टू, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन ग्राफ में पढ़ा होगा आपने, तो सेम जब भी y और x में रिलेशन होता है उसको बोलते हैं पाथ की इक्वेशन या ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन, समझ पा रहे मेरी बात को, तो हमें y और x में रिलेशन निकालना है, तो बड़ा आसान तरीका है हम लिख देंगे y इज इक्वल टू होता है यू वाई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, तो इसमें y तो दिख रहा है पर x नहीं दिख रहा, तो x के लिए मैंने पीछे एक चीज़ याद करवाया था, देखो एक्स वाई यू कॉस थीटा टी का वैल्यू होता है, याद करो पीछे लिखवाया था, अरे पीछे देखो यार मैंने कहा था टी क्या होता है एक्स वाई यू कॉस थीटा, तो कुछ नहीं करना बस यहाँ टी की जगह पर पुट कर दोगे ना तो एक्स भी दिखेगा, क्या दिखेगा इस इक्वेशन में मुझे वाई भी चाहिए और एक्स भी चाहिए, तो मुझे वाई तो यहाँ से दिख जाएगा पर एक्स नहीं दिख रहा, तो एक्स को मैं देखो यू वाई कितना होता है यू साइन थीटा, याद करो वाई में होता है यू साइन थीटा और टी की जगह पर मैं क्या पुट कर दूंगा एक्स वाई यू कॉस थीटा माइनस हाफ जी टी की जगह पर एक्स वाई यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर, यही मेरा इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री है, बोलो क्यों वाई भी दिख रहा है और एक्स भी दिख रहा है, वाई भी दिख रहा है और एक्स भी दिख रहा है, ठीक है, और अगर ठीक से देखो तो एक्स का स्क्वायर भी दिख रहा है और एक्स का स्क्वायर पैराबोला के लिए होता है, वाई और एक्स का स्क्वायर ना पैराबोला के लिए होता है, तो क्वेश्चन ऐसा आ जाए प्रूफ करो पाथ पैराबोलिक है, प्रूफ करो पाथ, तो प्रूफ कर दिया, तो हमने प्रूफ कर दिया कि पाथ जो है पाथ क्या है पैराबोलिक है, और पैराबोलिक, पैराबोलिक समझते हो क्या होता है पैराबोलिक, जिसमें y एक सिंगल हो, y की इक्वेशन कैसी हो सिंगल, इस क्वेश्चन के हिसाब से बता रहा हूँ, और x का स्क्वायर आ जाए तो पाथ कैसा होता है पैराबोलिक। अब ये क्वेश्चन आए तो कर लोगे आप, अरे बड़ा आसान है, मैंने बोला ट्रेजेक्ट्री का मतलब क्या y और x में रिलेशन, तो y लेके दिया x लाने के लिए t का यूज़ कर लिया पीछे, t का यूज़ कर लिया पीछे, बात समझ पा रहे हो, तो इस प्रकार से हमारा ये खत्म हो गया। अच्छा जिसको ज़्यादा ही मैथमेटिक्स की वो है तो इजीली बोलेगा यू से यू कट गया सर, साइन वाई कॉस क्या होगा टेन, तो ये बन जाएगा देखो एक्स टेन थीटा, एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर नीचे यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, आ गया आंसर, मतलब आपकी मर्जी, यहाँ तक छोड़ोगे तब भी कोई गलत नहीं कर सकता, यहाँ तक छोड़ोगे तब भी कोई गलत नहीं कर सकता, दिस इज अ परफेक्ट तरीका है याद करने का। दोबारा प्रोजेक्टाइल मोशन ऐसे गया, ऊपर वेलोसिटी जीरो, वेलोसिटी जीरो तो क्या निकल जाएगा हाइट, क्या निकलेगा यहाँ पर क्या जीरो वाई जीरो, तो क्या निकल जाएगा टाइम, क्या निकल गया टाइम, और लास्ट क्या था रेंज, एक्स एक्स में रेंज निकालना है, तो एक्स वाली इक्वेशन यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एक्सेलेरेशन जीरो, एक्सेलेरेशन जीरो, अगर एक्सेलेरेशन जीरो हो गया तो क्या बचा यू एक्स टी, और टी भी पता है मुझे और यू एक्स भी पता है, तो रेंज भी आ गया, क्या आ गया और इक्वेशन का मतलब क्या हो गया वाई और एक्स में रिलेशन, तो बस, तो वाई लिख दिया एक्स में हमने यहाँ पुट कर दिया तो आंसर आ गया। तो इस प्रकार से हमारा चैप्टर फोर में काफ़ी कुछ हो गया, फिर आगे बढ़ेंगे यूनिफॉर्म मोशन में। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से, अगला जो डेरिवेशन आएगा इस चैप्टर से वो छोटे छोटे डेरिवेशन है, तो टू टू मार्क्स में आएंगे, टू से थ्री मार्क्स में आएंगे डेरिवेशन। देखो पहला डेरिवेशन आएगा, सुनो ध्यान दो बेटा बात नहीं प्लीज, पहला डेरिवेशन आएगा या एक्सप्रेशन बोलेंगे कि फ्रीक्वेंसी में और एंगुलर फ्रीक्वेंसी में कैसे रिलेशन निकालोगे, फ्रीक्वेंसी में एंगुलर फ्रीक्वेंसी में कैसे रिलेशन निकालोगे, क्वेश्चन आएगा डिड्यूस द रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो आप लिखो, देखो सर जो ओमेगा होता है वो होता है थीटा बाई टी, क्या होता है आप बोलोगे अच्छा एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलते इसको और एंगुलर वेलोसिटी भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी, क्या बोलते हैं इसको एंगुलर वेलोसिटी, ये होता है एंगुलर स्पीड एंगुलर वेलोसिटी, एक ही बात है, सुनो ध्यान दो। अब यहाँ पर क्या है, हमने बोला कि कोई यहाँ से यहाँ गया तो एंगल थीटा है, टाइम है टी, टाइम क्या है टी, तो आप बोलोगे जो स्पीड होगा डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस कौन सा है एंगुलर, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हो ना इसको, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब इसको क्या लिख दोगे आप कि भाई अगर अगर मैं बात करूं यहाँ से यहाँ कंप्लीट कंप्लीट की बात करूं तो एंगल कितना हो सकता है 2 पाई और ये टाइम कितना होगा पूरा टाइम पीरियड क्या होगा ये और 1 बाई टाइम पीरियड क्या होता है फ्रीक्वेंसी, तो ओमेगा आ गया 2 पाई एफ। तो मुझे उम्मीद है कि रिलेशन निकाल लोगे आप,
आप डायग्राम बनाओगे, उसे समझाओगे कि भाई ओमेगा होता है थीटा बाई टी, थीटा बाई फोर कंप्लीट चक्कर, एंगल इज टू पाई एंड टाइम इज कैपिटल टी। नाउ एज वी नो वन बाई टी इज बेसिकली फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या होता है वन बाई टी। इस प्रकार से एंगुलर वेलोसिटी और फ्रीक्वेंसी में रिलेशन निकल गया, या फिर एंगुलर फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी में रिलेशन, इसके दो नाम होते हैं पता है आपको, एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी। क्या बात समझ में आ गया? चलो एक और क्वेश्चन इसमें क्या आएगा कि भाई लीनियर वेलोसिटी रिलेशन, रिलेशन या एक्सप्रेशन, रिलेशन या एक्सप्रेशन या फॉर्मूला, रिलेशन बिटवीन, रिलेशन बिटवीन क्या आएगा एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी, ठीक है ध्यान से एंड लीनियर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी, रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी कैसे करते हैं सुनो। आप एग्जाम में उसे डायग्राम बना के दिखाओगे, आप लोगे लेटर सर्कल हैविंग रेडियस आर, हैविंग रेडियस आर, लेट द पार्टिकल गोज टू डी थीटा, डी थीटा मतलब बहुत छोटे टाइम के लिए, टाइम कितना लगेगा ये डीएल हो गया, डीएल कितना डिस्टेंस हो गया डीएल, और टाइम कितना हो गया टाइम, टाइम हो गया डीटी, क्या हो गया हमने माना। देखो क्वेश्चन पूछ रहा है रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी, तो एंगल तो होगा ही होगा, और लीनियर वेलोसिटी, लीनियर मतलब जो नॉर्मल वाला लाइन वाला वेलोसिटी, कौन सा वेलोसिटी लाइन वाला, लीनियर वेलोसिटी। अब कह रहा है इनके बीच में रिलेशन क्या होता है, तो रिलेशन आपको याद दिलाऊं तो वी होता है ओमेगा इंटू आर, पता है वी होता है ओमेगा इंटू आर, मतलब जब लीनियर को एंगुलर में कन्वर्ट करना होता है तो हमें बस आर से मल्टीप्लाई करना होता है, दैट इज रेडियस, किससे मल्टीप्लाई करना होता है रेडियस से। तो ये हो गया, इसी को प्रूफ करना है हमें, तो प्रूफ करने के लिए आता है 3 मार्क्स में आता है ये, कितने मार्क्स में, तो कैसे प्रूफ करेंगे हम बोलेंगे देखो रेडियस आर था, चला डी थीटा, लेंथ कितनी इसकी डीएल, अरे ये आर्क होगा ना आर्क, वो डीएल है, टाइम कितना लगा डीटी, ये स्मॉल इंटरवल के लिए, कितने के लिए टाइम, डीटी का मतलब स्मॉल इंटरवल है, ये स्मॉल टाइम है, स्मॉल टाइम इंटरवल, स्मॉल टाइम इंटरवल। फिर आप पता से बेसको कैसे बनाओगे, आप बोलोगे मुझे ये पता है कि डी थीटा पता होता है क्या होता है डीएल बाई आर, कैसे कैसे आपने आर्क पूछा, आर्क में पढ़ा आप लोगों ने थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर, आर्क में क्या होता है थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर, तो एल बाई आर थीटा इज इक्वल टू एल बाई, जिसको नहीं पता सुन लो, अगर ये आर ही है एल है और ये एंगल है तो थीटा पता क्या होता है एल बाई आर, थीटा होता है एल बाई आर, तो थीटा लिख दिया मैंने एल बाई आर। अब आपको वेलोसिटी में कन्वर्ट करना है तो वेलोसिटी के नीचे क्या आता है टाइम, क्या आता है तो दोनों को टाइम के साथ डिवाइड कर दूंगा, अगर मैं दोनों को टाइम से डिवाइड करूं, टाइम से डिवाइड बोथ साइड, टाइम से डिवाइड बोथ साइड, तो पता क्या हो जाएगा डी थीटा वाई डी टी इज इक्वल टू डी एल, यहाँ पर आर है, यहाँ पर क्या हो जाएगा डी टी, और आपको पता है एंगल अपॉन टाइम हो जाएगा एंगुलर वेलोसिटी और लेंथ अपॉन टाइम हो जाएगा लीनियर वेलोसिटी, और नीचे आर है, नीचे क्या है तो वी बाई आर ओमेगा, तो वी कितना हो गया ओमेगा इंटू आर। ये 3 मार्क का बड़ा फेमस क्वेश्चन है जो मैंने आपको चुटकियों में करा दिया। ट्रिक क्या रहेगा, ट्रिक रहेगा वो डायग्राम बस, डी थीटा डी एल डी टी, आर्क का फॉर्मूला लगाया, दोनों को टाइम से डिवाइड क्यों कर रहे हैं, लॉजिक क्या है, हमें वेलोसिटी निकालना है, तो तुरंत हमें रिलेशन मिल जाएगा। इस प्रकार से ये चैप्टर 4 के सारे डेरिवेशन हो गए। आपको भी याद नहीं आ रहा होगा क्योंकि कोई रह तो नहीं गया, कोई नहीं रह गया, कोई भी रहे नहीं गया, सारे डेरिवेशन हमने इजीली कर लिए, मुझे उम्मीद है अब किसी को कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, पक्का। तो ये हमारा खत्म हो गया चैप्टर 4, अब हम पढ़ेंगे चैप्टर 5, ठीक है, फटाफट नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं।